के साथ। श्री महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव व अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत रविन्द्र पुरी के हाथों महंती चादर रस्म पूरी की गई। दशाश्वमेध के कारिका गली स्थित महानिर्वाणी अखाड़े से संबंध श्री बिहारी पुरी मठ के नए महंत की गति पर रविवार को वंशीपुरी आसीन हुए। सर्वप्रथम ब्रह्मनील हुए दिवंगत जय किशन पुरी के प्रतिमा पर आए महंत व मंडलेश्वर ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। फिर चादर विधि द्वारा पंच परमेश्वर की मौजूदगी में चादर देकर नए महंत के रूप में वंशीपुरी को नियुक्त किया गया। साथ ही उपमहंत रोशनपुरी को बनाया गया व मठ के संरक्षक के रूप में अन्नपूर्णा मठ मंदिर के महंत शंकरपुरी को बनाया गया। इसके बाद अलग अलग जगहों से आए महंत मंडलेश्वरों ने चादर रस्म निभाई। इसमें प्रमुख रूप से ये रहे महानिर्वाणी अखाड़े के आचार्य विशाखानंद भारती, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविन्द्र गिरी, महामंडलेश्वर विद्यागिरी, श्री महंत देवगिरी, किशनगिरी, रविन्द्र सचिव विश्वनाथ गिरी, हरियाणा से भीमपुरी लक्ष्मी नारायणपुरी कुरुक्षेत्र, हरिद्वार बिरला से ज्ञान भारती, अटल अखाड़ा से गणेश भारती, सचिव जमुनापुरी इलाहाबाद से उमा शंकरपुरी इलाहाबाद से आयोजक में शंकरपुरी, महेशपुरी, विवेकपुरी, महंत प्रकाशानंदपुरी, विशेश्वरपुरी, महंत वाशिष देवपुरी, प्रमोद पुरी समेत सैकड़ों साधु संत रहे। इस अवसर पर अन्नपूर्णा मंदिर महंत शंकरपुरी ने बधाई देते हुए कहा कि मठ के दायित्व का निर्वाह समाज हित में होगा। आरोहण कार्यक्रम संपन्न होने के बाद महंत ने कहा कि मठ की परंपरा के अनुसार वह जन सरोकार से जुड़े कार्यों को और आगे बढ़ाएंगे। समाज के लोगों के सुख दुख में मठ सदैव साथ खड़ा रहे। सैकड़ों संत महंत समेत काशी के बुद्धिजीवी जन मौजूद रहे। यहाँ पर जो महंत थे जयकिशनपुरी जी थे, उनका 2004 तारीख को 4 फरवरी को उनका शरीर शांत हो गया है। उनकी शोर से भंडारा है। आज महानिर्वाणी अखाड़ा के पूरे भारत से आए हुए साधु सन्यासी जो चादर विधि कर रहे हैं और उनको विधि विधान से उनको यहाँ महंत बनाया जा रहा है। इसका एक कार्यक्रम चलेगा, उसमें हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं, पूरे भारत से लोग आए हुए हैं। यही कार्यक्रम सच के साथ।